कई सारे एस्पिरेंट इसलिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं ताकि वो आईएएस ऑफिसर बन सके। बहुत सारे लोगों को अलग अलग सर्विसेज भी चाहिए होता है, लेकिन ज्यादातर से एस्पिरेंट आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। लेकिन कई सारे लोगों को यह नहीं पता होता है कि उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, कौन कौन से पावर्स दिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दी जाने वाली फैसिलिटीज या सुविधाओं के बारे में। आईएएस ऑफिसर को दी जाने वाली सबसे पहली सुविधा है वो है बंगला। यह बंगला कोई छोटा मोटा नहीं होता है बल्कि काफी बड़ा होता है और इसी के देखरेख के लिए 2 से 3 नौकर भी रखते हैं, जिसमें एक किचन का देखरेख करने के लिए कुक होता है। इसके साथ ही गार्डन के देखरेख के लिए माली होता है और घर के साफ सफाई के लिए भी एक अलग से नौकर होता है। तो इस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर को सुविधाएं दी जाती हैं। चलिए, ये तो था बंगलों की सुविधा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी को लेकर के। तो इस बंगलों में रहते हुए उनके ऊपर किसी भी तरीके से खतरा नहीं होना चाहिए, इसलिए उनके लिए सुरक्षा गार्ड भी रखा जाता है। अब ये तो था बंगलों के देखरेख के लिए और वहां पर अगर आईएएस ऑफिसर हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन इसके बाद जब वो फील्ड में वर्क करते हैं तो उस वक्त क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आने जाने की व्यवस्था की जाती है और आने जाने की व्यवस्था में उन्हें एक कार दिया जाता है। इसके साथ ही आपको जानकारी देना चाहूंगी कि एक आईएएस ऑफिसर को अधिकतम 3 कार देने की सुविधा है। इस कार को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर की भी व्यवस्था की जाती है, जिसका पेमेंट गवर्नमेंट देती है। अगर किसी वजह से ड्राइवर की व्यवस्था अगर नहीं दी गई है तो आपको यह सुविधा दी जाती है कि आप अपनी इच्छा से किसी को भी ड्राइवर के रूप में आप काम दे सकते हैं, लेकिन इसका जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट देगी। जब एक आईएएस ऑफिसर कहीं भी आना जाना कर रहे होते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड भी होता है। इसके बाद एक आईएएस ऑफिसर को एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज भी मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ में। हेल्थ में यह होता है कि एक आईएएस ऑफिसर खुद उसकी फैमिली में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जैसे कि उनके मम्मी पापा, उनकी पत्नी या पति और उनके बच्चे, उन सभी को मेडिकल सुविधाएं फ्री में दी जाती है। वैसे तो सरकारी हॉस्पिटल में सभी को फ्री में सुविधाएं दी जाती है, लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि इन सभी को VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन फैसिलिटीज के बारे में। एक आईएएस ऑफिसर के बच्चों को कहीं भी सरकारी स्कूल में फ्री में एजुकेशन दिया जाता है, किसी भी तरीके से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सरकारी स्कूल में तो सभी बच्चों को फ्री में ही पढ़ने को मिलता है, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ऐसे कई सारे चार्जेस होते हैं जहाँ पर बच्चों को देना होता है, तो वो सभी छोटे मोटे जो चार्जेस सभी बच्चों को देने होते हैं आईएएस ऑफिसर्स के बच्चों को नहीं देना होता है। इसके साथ ही एक आईएएस ऑफिसर जहाँ जहाँ ट्रांसफर होते हैं, अगर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आसानी से उनका ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए बच्चों के एजुकेशन में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद एक आईएएस ऑफिसर को घर में रहने के साथ साथ वहाँ पर जो बिजली है, फोन है, टेलीविजन है, ये सभी चीजों के चार्जेस गवर्नमेंट देती है। आईएएस ऑफिसर को खुद से कोई भी चार्ज नहीं पे करना होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो व्हीकल या जो कार की सुविधा दी जाती है कहीं भी आने जाने के, इसमें जो डीजल या पेट्रोल यूज होता है उसके पैसे कौन देता है, तो यहाँ पर उसके पैसे भी गवर्नमेंट पे करती है। अब बात करते हैं एक आईएएस ऑफिसर के पावर्स के बारे में। जब एक आईएएस ऑफिसर किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर सब डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से वो अपने पावर्स का यूज करते हैं, आगे जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक आईएएस ऑफिसर जब डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के रूप में काम कर रहे होते हैं तो उनको राजा कहा जाता है अगर वहाँ पर कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं है, एंड रियलिटी में ऐसा होता भी है अगर देखा जाए तो। बात करते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पावर के बारे में, उनके सिग्नेचर को लेकर के। आईएएस ऑफिसर के सिग्नेचर की बहुत ज्यादा वैल्यू है जब वो कलेक्टर के रूप में या एसडीएम के रूप में काम कर रहे होते हैं तो। जैसे कि किसी भी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन को लेकर के, किसी भी चीज के परमिशन को लेकर के, इसलिए एक आईएएस ऑफिसर के सिग्नेचर की सबसे खास वैल्यू यहीं पर होता है। इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से वहाँ की लोक व्यवस्था को बनाए रखना है, किस तरीके से वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखना है, ये सभी पावर्स एक कलेक्टर के पास होता है, मतलब कि एक आईएएस ऑफिसर्स के पास होता है।
एक आईएएस ऑफिसर को यह भी पावर दी जाती है कि वह कलेक्टर के रूप में जब काम कर रहे होते हैं तो अपने एरिया में किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब वजह पूछी जाती है तो जवाब दिया जाता है कि यह शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार करने का आदेश कलेक्टर साहब दे सकते हैं। इसके बाद कलेक्टर के पास यह भी पावर होता है या एक आईएएस ऑफिसर को यह भी पावर दी जाती है कि अपने अधीन जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको किस जगह कहाँ ड्यूटी देनी है, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके अनुसार ही ये सारी चीज़ें चलती हैं। मतलब कि एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी ये सब किस तरीके से काम करेंगे ये कलेक्टर डिसाइड कर सकते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी उनकी पोस्टिंग दे सकते हैं। इस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर जब फील्ड पर वर्क करते हैं कलेक्टर के रूप में तो वो कई सारी योजनाओं को लागू करवाते हैं, कई सारे अधिकारियों के काम को चेक करते हैं, निरीक्षण करते हैं, गलत होने पर उनकी लापरवाही के प्रति कार्रवाई भी करते हैं, उन्हें सजा भी दे सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के अधीन जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी जब भी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग की अध्यक्षता कलेक्टर करते हैं, मतलब कि एक आईएएस ऑफिसर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कलेक्टर चाहें तो अपनी जगह किसी और को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंप सकते हैं। तो इस तरीके से एक कलेक्टर के पास अलग अलग पावर्स होते हैं। इन पावर्स का यूज करके वो अपने डिस्ट्रिक्ट में शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था बनाए रखते हैं और इस तरीके से ये पावर्स का यूज करके ही अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं और इसके साथ ही अपने गाँव, अपने डिस्ट्रिक्ट में एक नया बदलाव लेकर के आते हैं।